वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी माई नेम इज़ गरिमा आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ इंग्लिश एन सी ए आर टी हनी कॉम का टेंथ चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट का सेकेंड पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है तो इसकी प्लेलिस्ट भी मैं आपको वहीं पर दे दूंगी तो आप इसके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर The origin of Indian cricket are to be found in Bombay and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. Indian cricket की उत्पत्ति सबसे पहले बॉम्बे में हुई और एक पहली भारतीय कम्युनिटी थी, छोटी सी कम्युनिटी थी Zoroastrians की, जो कि Parsis थे, जिन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया। बॉड इन टू क्लोज कॉन्टेक्ट विद द ब्रिटिश और ये काफ़ी क्लोज कॉन्टेक्ट में थे ब्रिटिश के क्योंकि इनका इंटरेस्ट ट्रेड में व्यापार में था और यही पहली इंडियन कम्युनिटी थी जो वेस्टर्नाइज थी जिसने वेस्टर्न कल्चर को अपनाया था वेस्टर्न कल्चर होता है पश्चिमी संस्कृति द पारसीज फाउंड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब पारसीज ने सबसे सब पहले एक इंडियन क्रिकेट क्लब खोला जिसका नाम था ओरिएटल क्रिकेट क्लब जो कि बॉम्बे में खोला गया 19 1848 में पारसीज क्लब वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसीज बिज़नेसमैन और इसको फंडेड किया यानी इस पे जो पैसा लगाया गया स्पॉन्सर किया गया वो पारसी बिजनेसमैन थे जैसे कि टाटाज और वाडियाज़ द वाइट क्रिकेट एलिट इन इंडिया ऑफर नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज इन पारसीज को कोई भी हेल्प नहीं मिली वाइट क्रिकेट एलीट की तरफ से इन फैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिम खाना बल्कि इनके बीच में बॉम्बे जिम खाना से लड़ाई हो गई थी क्वारल हो गया था द वाइट ओनली क्लब द पारसीज क्रिकेटर्स ओवर द यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क क्योंकि इनको केवल पब्लिक पार्क खेलने के लिए दिया गया था पारसीज क्रिकेटर्स को द पार्सीज कंप्लेन दैट द पार्क वॉज लेफ्ट एंड फिट फॉर क्रिकेट और ये कंप्लेंट थी इन लोगों की ये शिकायत थी पार्सिस की कि जो पार्क दिया गया है उनको ये बिल्कुल भी फिट नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए क्योंकि पोलो पोनीज जो घोड़े पोलो में इस्तेमाल किए जाते हैं गेम खेलने के लिए उन्होंने बॉम्बे जिम खाना के जो सरफेस है उसको खोद दिया है दौड़ने के कारण वेन इट बिकेम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज़ वर प्रेज इन फेवर ऑफ़ देयर वाइट कम्पेट्रियास द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिम खाना टू प्ले क्रिकेट इन और जब पारसीज़ ने ये देख लिया कि ये लोग जो हैं ये हमारे फेवर में नहीं हैं और किसी भी तरीके से ये हमको पसंद नहीं करते प्रिजुडाइज मीन्स होता है कि, कि किसी को धर्म या उसकी जाति के आधार पर नापसंद करना तब इन्होंने देखा कि ये हमारे फेवर में नहीं

लगभग चार साल के बाद जब अट्ठारह में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें ग्रेट पारसी स्टेटमेंट्स यानी बहुत महान नेता थे जो पारसी थे और दादा भाई नारोजी भी थे मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स और मॉडर्न क्रिकेट जो है था उसने डोमिनेट कर दिया था टेस्ट मैच को और वनडे इंटरनेशनल को जो कि नेशनल टीम्स के बीच में खेला जाता था द प्लेयर्स हु बिकम फेमस हु लिव इन द मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक आर दोज हु प्लेड फॉर देयर कंट्री लोगों की मेमोरीज में केवल वही लोग रह गए जो कि देश के लिए खेलते थे द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेंबर इवन नाव आर दोस्ट हु आर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट और लोगों के दिमाग में उन्हीं के खिलाड़ियों की यादें रह गईं जो कि प्ले टेस्ट क्रिकेट खेलते थे उस समय जैसे कि सी के नायडू ये एक आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन थे अपने समय के और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे लोगों के दिमाग में जबकि इन्हीं के साथ इनके जो कंटेम्प्रेरीज़ थे जैसे कि पलवनकर विट्ठल और पलवनकर बल्लू ये लोगों ने भुला दिए इन्हें लोगों ने याद नहीं रखा Even though Naidu was the past his cricketing prime when he played for India in its first Test matches against England starting in 1932. 1932 mein jab Naidu ne apna cricket khela पहला Test match खेला England के खिलाफ, तो उन्होंने Indian cricket history में अपनी जगह बना ली क्योंकि वो देश के पहले Test captain थे. India entered the world of Test cricket in 1932. 1932 में भारत वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश कर चुका था लगभग डिकेड एंड हा हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन जब तक राष्ट्र हमारा स्वतंत्र हुआ था यानी पंद्रह साल पहले ही 1932 में इंडिया जो था वो टेस्ट क्रिकेट में प्रवेश कर चुका था दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऐसा इसलिए संभव हुआ था क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट था जिसका ओरिजिन 1877 में हुआ था उसके बीच में कई कॉन्टेस्ट हुआ करते थे अलग अलग भागों में जो ब्रिटिश एम्पायर जो थे वो जगह जगह कॉन्टेस्ट कौ, करवाया करते थे इसीलिए ये आ, ऐसा संभव हो सका था द फर्स्ट टेस्ट प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया पहला जो टेस्ट मैच खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया उस समय भी वाइट सेटलर कॉलोनी था सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द करेबियन गेट टूगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम और इसी तरीके से एक छोटे छोटे देश जो थे करेबियन के उसने मिलकर वेस्ट इंडीज की टीम बनाई थी वो भी ब्रिटिश कॉलोनी थी तब तक जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था थर्ड पार्ट टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट जब टेलीविज़न आया तो उसने तो क्रिकेट का बिल्कुल रुख ही बदल दिया इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस इसने काफ़ी दर्शक बढ़ा दिए थे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया था लोगों का देखना ये गेम जो था क्रिकेट जो था वो अब छोटे छोटे टाउन्स में और विलेज में पहुंच रहा था इट ऑल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट सोशल बेस और इसको एक सामाजिक आधार मिल रहा था चिल्ड्रेन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट क्योंकि जो बच्चे थे वो कभी देख ही नहीं पाते थे इंटरनेशनल क्रिकेट क्योंकि ये जो है वो बाहरी देशों में होता था बाहरी शहरों में होता था अब जो टेलीविज़न आ गया उसके माध्यम से उन्होंने अपने जो आदर्श खिलाड़ी थे उनकी इमिटेट करना शुरू कर दिया उनको वो हीरोज़ मानने लगे इमिटेट मतलब नकल नकल करना से मतलब यहाँ पर है कि वो अपना आदर्श मानकर उनको फॉलो करने लगे द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविज़न एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टी नेशनल टेलीविज़न कंपनीज़ क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट अब मल्टी नेशनल टेलीविज़न कंपनीज़ ने क्रिकेट के लिए ग्लोबल मार्केट क्रिएट कर दिया था टेक्नोलॉजी आ गई थी और सैटेलाइट के माध्यम से अब ये वर्ल्ड वाइड हो गया था पूरी दुनिया में लोग मैच को देख सकते थे मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड इन लाइव इन सूरत अब जो मैच सिडनी में हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया में हो रहे थे उन्हें हम अपने भारत में सूरत में देख सकते थे सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंग्स द क्रिकेट प्लेइंग नेशन एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड द गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू द साउथ एशिया स के पास इस क्रिकेट की यानी इस गेम की लार्जेस्ट व्यूअरशिप है सबसे ज़्यादा दर्शक जो हैं वो भारत में ही हैं और भारत में इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है इसी कारण है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो शिफ्ट हो गई है साउथ एशिया में यानी साउथ एशिया के जितने भी भाग हैं वहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय है दिस शिफ्ट वॉज सिम्बलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आई सी सी हेड क्वार्टर फ्राम लंडन टू टैक्स फ्री दुबई और ये शिफ्ट सिम्बलाइज्ड है इस बात का सबूत है कि जो आई सी सी हेडक्वाटर लंडन से दुबई में शिफ्ट हो गया है वन हंड्रेड एंड फिफ्टी ईयर्स अगो द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स द पारसीज हैड टू स्ट्रगल टू फाइंड एन ओपन प्लेस टू प्ले इन डेढ़ सौ साल पहले जो पहले भारतीय क्रिकेटर्स थे जो पारसीज थे वो संघर्ष कर रहे थे उन्हें खुली जगह चाहिए थी खेलने के लिए बट आज टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज़ मीट इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड लेकिन जो आज का जो ग्लोबल मार्केट है वो भारतीय खिलाड़ियों को बढ़िया पैसे बढ़िया रकम चुकाता है इस गेम को खेलने के लिए और ये मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं वर्ल्ड वाइड दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज मेड ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये छोटे छोटे चेंजेस की वजह से हुआ है द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैन आमिशर बाय द पेड प्रोफेशनल क्योंकि अब ये खेल केवल शौकिया तौर पर नहीं बल्कि प्रोफेशनल उस पर खेला जाता है लोग प्रोफेशनली इसे खेलते हैं और ये एक व्यवसाय बन गया है द ट्रिम्प ऑफ द वन डे है test के में. The in and और इसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है ग्लोबल कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के कारण क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो हमारे देश में लोकप्रिय है बाकी खेलों की तुलना में इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर तक पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें